नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गुरुंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। और आज मैं अपना बर्थडे मनाने जा रही हूँ मसूरी। फ्रेंड्स, हमारा मसूरी जाने का प्रोग्राम तो 1 बजे का था, लेकिन हम 2:15 बजे के बीच में निकले क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था। पर मैं इस पर बहुत खुश हूँ क्योंकि मार्च में क्लोजिंग चलती है और फिर भी हम मसूरी जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ईशान भी आया हुआ है, तो ईशान सक्षम, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो देखिए, आज भीड़ बहुत है क्योंकि आप कुछ हम गुच्चू पानी के पास है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत जाम लगा हुआ है, लगातार गाड़ी आ रही है क्योंकि 3 छुट्टियाँ एक साथ है। 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ है, तो इस चक्कर में भीड़ काफ़ी है। गाड़ी में ही मुझे सरप्राइज़ मिला कि हम मसूरी नहीं जा रहे हैं, 4 दुकान जा रहे हैं। 4 दुकान भी बहुत सुंदर जगह है फ्रेंड्स, मसूर से ज़्यादा बेटर है। पर अब 4 दुकान पर आप तभी जा सकते हैं जब आप गाड़ी चलाने में परफेक्ट हो, यानी कि पहाड़ों पर गाड़ी चला सकते हो। और आप देख सकते हैं टोल के पास भी कितनी भीड़ है, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यही लग रहा है कि कहीं हमें जाम में ना खड़ा होना पड़े। और फ्रेंड्स देखिए, रास्ते में अगर खाते पीते ना जाएं तो उसका मज़ा नहीं आता। और रास्ते में मैंने चिप्स लिए हैं, मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने लिए हैं चिप्स और कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आज से करीबन 10-12 साल पहले मुझे कुरकुरे खाने में बहुत पसंद थे। और जब भी मैं कहीं जाती थी तो अपने हस्बैंड से यही थी कि कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे, 2 चीज़ मेरी पैट थी लेने के लिए रास्ते में। और मैं इसका पूरे रास्ते इंजॉय करते हुए जाती थी। आई होप रास्ते में आप भी कुछ ना कुछ खाते होंगे मेरी तरह। हम पीछे के रास्ते से 4 दुकान जा रहे हैं जहाँ से कि पिक्चर पैलेस या फिर लाइब्रेरी नहीं आती है मसूरी की, तो उससे हम जाम से बच जाएंगे क्योंकि आज रास्ते में जो भीड़ देखकर लग रहा है कि जाम काफ़ी अधिक होगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मसूरी में भीड़ है। फ्रेंड्स, जो ये गलियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, मतलब जो रास्ते हैं छोटे छोटे सी गलियों टाइप से रास्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का भी एक अपना ही मज़ा आता है। यदि आप जाम में नहीं खड़े हो रहे तो आप इस रास्ते को बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर AC बंद हो जाता है इस समय। और आप जो आपकी विंडो है वो खोल लेते हैं, उससे ठंडी ठंडी एक हवा आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऐसी है रास्ते की आज पुलिस ने व्यवस्था अच्छी कर रखी थी कि वो जितनी नीचे से गाड़ी छोड़ते, यानी कि जितनी 4 दुकान गाड़ियाँ जा रही थी, एक पॉइंट बना रखा था उन्होंने, जब तक वो पूरी ऊपर तक नहीं पहुँच रही थी तब तक कोई भी गाड़ी 4 दुकान से मसूरी की तरफ नहीं आ रही थी। तो क्योंकि आज गाड़ियाँ बहुत हैं, जाम बहुत लग सकता था क्योंकि फ्रेंड्स जो रोड है वो बहुत ज़्यादा संकरी है कहीं कहीं पर। देखिए, आप यहाँ पर 2 बड़ी गाड़ी फंस जाएँ तो क्या होगा, तो पुलिस की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो फ्रेंड्स, अब हम 4 दुकान पहुँच गए हैं और यह है वहाँ का चर्च जो कि इस समय बंद था। और यहाँ का ये है इकलौता गार्डन। फ्रेंड्स, ये गार्डन बहुत छोटा सा है लेकिन यहाँ का एक अपना माहौल है, एक अपना एटमॉस्फेयर है, एक अपना मौसम है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ गिनती की 4 दुकानें ही हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ केवल फ़ोन ही देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जहाँ तक आपकी नज़र आ रही हैं यही जो यहाँ की मेन दुकानें हैं, चार दुकान, तो यही 4 दुकानें हैं फ्रेंड्स। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी एक दो शॉप इधर की साइड में खुल गई है जहाँ पर गिनती की 4 दुकानें ही हैं। और यहाँ पर आज भीड़ बहुत है, शायद गुड फ्राइडे है इसलिए भी दरवाजे सारे मेरे बर्थडे बना दी। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर जाम बहुत है, देख सकते हैं हम गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जाम लगा है। 4 दुकान में जो पहली दुकान है, हम हमेशा वहीं पर स्नैक्स लेते हैं। और ये देखिए, उसके यहाँ सेलिब्रिटी आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो 4 दुकान को फेमस किया था वो सचिन तेंदुलकर ने किया था, वो भी उनकी शॉप पर आए हुए हैं। तो फ्रेंड, जो यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी है और लेमन टी, दो को मैं रेफर करूँगी, आप कोल्ड कॉफ़ी और लेमन टी पीजिएगा, बहुत अच्छी है। तो हमने खाए थे यहाँ पर सैंडविच खाया है फ्रेंड्स, और यह है बंद आमलेट। मैं तो एग नहीं खाती पर मेरे हस्बैंड और बच्चे खाते हैं, तो हम इन्होंने तीनों ने खाया है, वो बहुत अच्छा है। और हमने लिया था चॉकलेट पेनकेक। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही यम्मी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आपको मतलब इसी तरह का खाना खाने का मन करता है। लेकिन मैं रेफर करूँगी, यदि आप 4 दुकान जाएँ तो आप ज़रूर पैनकेक खाएं, और चॉकलेट्स अगर आपको पसंद है तो चॉकलेट पैनकेक जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में साफ नहीं आता है पर यहाँ पे बहुत सेलिब्रिटी आ चुकी है उनकी दुकान पर, जिनकी उन्होंने मतलब उनके साथ अपनी पिक लगा रखी है, उसका एक कॉलाज बना रखा है। तो
हमने मिक्स पकोड़ा भी बनवाया था जो कि बहुत यम्मी थे। और ये मैं सॉस की बोतल दिखा रही हूँ, ये है इनकी स्पेशल सॉस मस्टर्ड सॉस जो कि ये खुद बनाते हैं और ये वाकई में बहुत टेस्टी होती है। आपको एक यूनिक सा टेस्ट देगी जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये पैनकेक की वेराइटी है कि आप कौन सा ट्राई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए भीड़ आती जाती है और भीड़ इतनी है कि हम अपनी टेबल भी शेयर कर रहे हैं, यानी कि हर एक के पास एक आदमी खड़ा है कि आप खड़े होंगे तो वो बैठेंगे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन अच्छा लगता है फ्रेंड्स इतनी भीड़। यदि आपको गाड़ी आराम से पार्क करने को मिल गई और खाने पीने में जगह चार दुकान में किसी शॉप पर जगह मिल गई खाने की तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। चार दुकान का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है और मौसम के लिए ही आते हैं, इसे सचिन तेंदुलकर ने फेमस किया था। आपने कितना सुंदर है हमारा चार दुकान और यहाँ से आपको इस तरह की सीनरी तो बहुत दिखेंगी। तो फ्रेंड्स लौटते हुए भी गाड़ी का वही सिस्टम था कि जो नीचे से है एक बाइक पर सवार होकर पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया कि लास्ट नंबर की गाड़ी ये गई है, जब तक वो पहुँची नहीं हमें वहाँ से नहीं जाना दिया। फ्रेंड्स लौटते हुए हमें मसूरी में एंटर नहीं करने दिया, वैसे हमें मसूरी जाना भी नहीं था। हम लोग गए हैं कि वुड स्टॉक स्कूल के पास से गुजरे हैं, जो थी वो मसूरी के बाहर से आपको निकाल रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जेपी से कुछ किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर पहले हम निकल रहे थे, तो यदि किसी को मसूरी जाना है तो वो कैसे जाएगा। और फ्रेंड जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा तंग थी, यानी कि देखिए हम गाड़ी बैक कर रहे थी, तो यदि आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का कम अनुभव है तो आपको जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है। तो वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं था कि मसूरी में आप कहाँ निकलेंगे कहाँ नहीं, तो जो थोड़े नए मेंबर हैं उनके लिए ज़रूर दिक्कत की बात है। लेकिन जो मौसम था वो बहुत अच्छा था और मुझे ये घूमना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बार चार दुकान ज़रूर घूमने आए, अगर हो सके तो आप वीकेंड्स पर मत आइए, और या फिर जैसे मई जून का सीज़न चलता है तब मत आइएगा, आप नॉन सीज़न वीकडे पर आइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा यदि आपको जाम नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।